मस्क नीलाम करेंगे ट्विटर हेडक्वार्टर के 265 आइटम, ज्यादातर के दाम $225 या $50। रूस बोला यूनेस्को में भारत को स्थायी सदस्यता मिली। रूस विदेश मंत्री ने कहा एशिया पर भारत की अच्छी पकड़, कई चुनौतियों से निपटने का अनुभव। नासा का मून मिशन हुआ पूरा, 14 लाख मील की यात्रा कर लौटा स्पेसक्राफ्ट पैराशूट के सहारे प्रशांत महासागर में। पाक में 54 बच्चों के पिता की मौत, 75 साल की उम्र में 6 शादियां की, ट्रक चलाकर भरा परिवार। पाक फौज और अफगानिस्तान के तालिबान में हुई झड़प, 6 लोगों की मौत, 17 लोग घायल, दोनों देशों की सीमा पर भारी तनाव। झूठा हलफनामा देने के केस में फंसे इमरान खान, इसी को बेटी के बारे में नहीं दी जानकारी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस किया जाए। बिहार में क्रिसमस पर सबसे बड़ी हड़ताल, दिसंबर में रेल और एयरपोर्ट सेवाएं होंगी बाधित, टूरिज्म पर पड़ेगा असर, हड़ताल की शुरुआत 7 दिसंबर। मानवाधिकारों को लेकर घिरे चीन और पाकिस्तान, 1971 के जनसंहार को मान्यता दिलाने के लिए प्रस्ताव, उइगर मुसलमानों का अमेरिका में प्रदर्शन, चीन नीति का करना होगा सम्मान। गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने ली सीएम पद की शपथ, सरकार में 8 कैबिनेट, 2 स्वतंत्र प्रभार और 3 राज्य मंत्री बने पीएम मोदी, अमित शाह समेत 20 नेता रहे मौजूद। लखनऊ में रिटायर्ड इंडियन आर्मी का प्रदर्शन, फर्जी डेलीगेशन के चुनाव का किया विरोध, मामले पर कानपुर जिला अध्यक्ष मेजर योगेंद्र सिंह कटारिया ने सेंट्रल लीग से शिकायत करने की बात कही। लखनऊ पहुंची हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी, इतिहास में दूसरी बार लखनऊ पहुंची हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी, 13 जनवरी से उड़ीसा में शुरू हो रहा हॉकी विश्व कप। चित्रकूट जिला अस्पताल में एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाने में 9 महीने की बच्ची की तड़प तड़प कर हुई मौत, एक्सपायर डेट का लगाया था इंजेक्शन, परिजनों ने अस्पताल में किया पलटा। कांग्रेस ने बाराबंकी से शुरू की उत्तर प्रदेश बदजोन की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा, प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे और पूर्व सांसद एल पुनिया ने की यात्रा की शुरुआत। सिंचाई परियोजना का किसानों को नहीं मिल रहा लाभ, सरयू नहर परियोजना समेत कई योजना कागजों तक सीमित, किसानों की उपजाऊ जमीन हो रही बंजर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बड़ी मात्रा में अंडे चोरी किए जाने का मामला, कॉन्ट्रैक्टर निजामुद्दीन खान ने बाजार में 4000 अंडे खरीदे थे, ऑटो चालक के खिलाफ चोरी की धाराओं में दर्ज करवाया। अकोले में वंचित बहुजन अघाड़ी का भीख मांगो आंदोलन, महाराष्ट्र बीजेपी के कैबिनेट मंत्री के बाबा साहेब और ज्योतिरादित्य फुले को दिए गए बयानों को लेकर विरोध। छतरपुर में ब्रजेश तिवारी गोलीकांड के फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही, नगर पालिका की अमले ने की मकान की नापतौल। गाजियाबाद के लोनी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शौर्य यात्रा निकाली, गीता जयंती के उपलक्ष्य में शहर में मुख्य मार्गों और बाजारों से निकाली गई यात्रा। अकोला के जूना शहर परिसर में स्थित काला मारुति के एक घर में गैस सिलेंडर में लगी आग, खाना बनाते समय अचानक लगी आग, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। दिल्ली में आकांक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभ्यर्थियों को हैदराबाद की रवाना, निजी कंपनी के लिए चयनित 34 अभ्यर्थियों की रवाना, कलेक्टर ने दी बधाई एवं शुभकामनाएं। दीवा में सिटी कोतवाली पुलिस ने चोरों को पकड़ने में नाकाम, सीसीटीवी वीडियो होने के बाद भी नहीं पकड़ पाई चोरों को, शादी समारोह में शामिल होने गए परिवार, घर से 3-4 लाख चोरी हुई। जयपुरा के कुचबाड़ा में आध्यात्मिक संत आचार्य ओशो रजनीश का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया, 82वां जन्मोत्सव मनाया गया, देश विदेश से बड़ी संख्या में जन्मस्थली पहुंची श्रद्धा। नगर के कल्यासोड चौकी के नजदीक देर शाम बड़ा हादसा, बैलेंस बिगड़ने से 50 मीटर गहरी खाई में गिरा युवक, SDRF की टीम युवक का किया रेस्क्यू। और ग्वालियर में घर में घुसकर ऑटो मैकेनिक की मिश्रण से हत्या, पत्नी और प्रेमी और हत्या के वारदात को अंजाम देने का आरोप।